यह है आपकी आंसर कॉपी। यहाँ पर सबसे ऊपर में आप ध्यान रखें, जब भी कभी आप कॉपी में आंसर करें, ऊपर एक हाशिया होता है और लेफ्ट हाशिया होता है, तो जो ऊपर का भाग है इसमें भी आपको कुछ नहीं लिखना है, और लेफ्ट साइड में भाग जो है यहाँ BSE लिखा होता है वहाँ भी आपको कुछ नहीं लिखना है। आपको जो कुछ भी करना है इस पूरे हाशिए के अंदर करना है, चाहे क्वेश्चन नंबर लिखना हो चाहे आंसर लिखना हो। तो इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखिए, इसीलिए हमने हाथ से लिखी हुई आंसर कॉपी ही सामने रखी है और इसी आधार पर हमने प्रश्न को हल किया है। तो सबसे पहले हम सेक्शन सी हल करते हैं। क्वेश्चन पेपर आपने जरूर देख लिया होगा, या फिर हमारी वीडियो को पहले देख लिए, या फिर किसी दूसरे सोर्सेस से आप क्वेश्चन पेपर सामने भी रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड फिल इन द ब्लैंक्स। स्टूडेंट्स, जो इंस्ट्रक्शन होते हैं हम उस इंस्ट्रक्शन को जरूर देखें एक बार, अदरवाइज होता यह है कि ऑब्जेक्टिव है हम सीधा यहाँ से पढ़ना शुरू कर देते हैं, आई हैव सीन डैश लॉट ऑफ प्लेसेस, चारों में से एक सेलेक्ट करके लिख देते हैं। हालांकि डायरेक्ट आंसर लिखने से भी यदि वो सही है तो मार्क्स मिलेंगे, लेकिन वहाँ पर यह बात समझ में आती है कि एग्जामिनर यह समझता है कि आपने ये जो इंस्ट्रक्शन है इसे पढ़े ही नहीं, जबकि सबसे शुरू में ही ये निर्देश दिए रहते हैं क्वेश्चन पेपर में। क्या बोला है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड फिल इन द ब्लैंक्स, सही अल्टरनेटिव चुनना है और ब्लैंक को फिलअप करना है। ये नहीं बोला कि आपको कौन सा आंसर सही होगा वो बताना है, आपको ब्लैंक को फिलअप करना है, इस बात को आप ध्यान रखिए। यदि आप इस तरह काम नहीं करते हैं तो संभव है कि आपके मार्क्स काट लिए जाएं। अब आप सोचेंगे साहब ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये वन मार्क्स का है, इसमें हम आधा कैसा मिला, तो आपने इंस्ट्रक्शन को फॉलो ही नहीं किया। क्योंकि ऐसा एलबेल आजकल जो आपके मूल्यांकन करता है वो ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हमें ये ध्यान रखना है। चलिए प्रश्न पहला हम देखते हैं, आई हैव सीन डैश लॉट ऑफ प्लेसेस, ए एन द और लास्ट में नो आर्टिकल, डी इसका है। तो आप सोचकर देखें, लॉट ऑफ प्लेसेस जनरली यहाँ पर एक इंडेफिनेट आर्टिकल ए यूज़ किया जाता है, अ लॉट ऑफ प्लेसेस, तो हम इसको फिलअप इस तरह करें, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ प्लेसेस, हमने उस सेंटेंस को फिर से लिखा और जो करेक्ट अल्टरनेटिव था उसको हमने वहाँ फिल कर दिया और नीचे अंडरलाइन कर दिया, ये बेहतर तरीका है। ये बात अलग है कि आप पूरा का पूरा क्वेश्चन ना भी लिखें तो चल जाएगा, क्योंकि हम सारे क्वेश्चन यहाँ लिख रहे हैं ताकि आपको दोनों बातें हम एक साथ समझा सकें। तो आप सिर्फ इतना पर लिख सकते हैं, लेकिन ये सीरियल नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट, ये आप जरूर लिखें तो कन्फर्म होता है। सेकंड क्वेश्चन है द बॉय डैश द बर्ड, अब चारों में से क्या फिलअप करना है, कैच कैचेस कैच कैच, आंसर होगा द बॉय कैचेस द बर्ड। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना हुआ है ये टेंस पर डिपेंड कर रहा है, और ये टेंस आप याद करने की कोशिश करो, कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। द बॉय जो है ये सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन का है, इसलिए यहाँ पर एस ई एस आई एस लगेगा वर्ब के साथ में, तो ये जो लास्ट में लिखा है ना ये पूरी तरह गलत है, ई एस ही लिखा जाता है, तो सही होता है द डॉग कैच द बर्ड। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर, डैश नॉलेज इज वेरी डेंजरस, इसमें चार ऑप्शन है, अ लिटिल अ फ्यू। अब आपको ये अच्छी तरह, या यदि आपने नहीं पढ़ा था एक बार जरूर देख लें, लिटिल अ लिटिल द लिटिल भी होता है, फ्यू अ फ्यू द फ्यू भी होता है, सभी के आप अर्थ स्पष्ट रूप से समझ जाएं। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा लिटिल और फ्यू, इन दोनों में आपको अंतर समझ लेना है। फ्यू यदि काउंटेबल है तो हम फ्यू लिखेंगे, लेकिन यदि काउंटेबल कोई चीज़ नहीं है तो हम लिटिल का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ जो नाउन है नॉलेज है ये अनकाउंटेबल है, इसलिए लिटिल का यूज़ करेंगे, लेकिन लिटिल के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, लिटिल और अ लिटिल। तो यहाँ पर सेंटेंस के मीनिंग को भी आप ध्यान दीजिए, सेंटेंस के मीनिंग में लिखा है कि वेरी डेंजरस, यानी एक ऐसी एजेंशियल ऐसी चीज़ है जो हमें जानना जरूरी है, इसलिए कितना नॉलेज, कम या फिर बहुत कम, बहुत कम तो इसका होगा अ लिटिल, ज़्यादा बेस्ट होगा इसमें। आगे बढ़ते हैं फोर्थ, आई थिंक इट डैश रेन टूडे, मैं सोचता हूँ कि, अब चार ऑप्शन है, मे माइट कांट और कुड, तो इसका सही आंसर में है, आई थिंक इट मे रेन टूडे। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है, इसमें कैन और मे जो दो पॉसिबिलिटीज़ वाले जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये कहाँ यूज़ होते हैं आपको ध्यान रखना है, और दूसरी बात यहाँ इट लिखा है यानी एक मौसम संबंधी कोई बात है, तो ऐसी स्थिति में मैं सोचता हूँ कि आज बारिश हो सकती है, हो सकती है, ये यहाँ पर कैन यूज़ नहीं होगा क्योंकि कैन जो होता है वो कैपेबिलिटी के लिए यूज़ होता है, आपकी एबिलिटी के लिए यूज़ होता है, लेकिन जो मे होता है ये पूरी तरह संभावना या प्रार्थना के लिए हम यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पर मे होगा, और ये चूंकि यानी नेचुरल इवेंट है यानी प्राकृतिक घटना है वाली बात है, तो यहाँ पर मे का यूज़ करेंगे, यहाँ कोई बारिश कोई करता नहीं है, कोई करवाता नहीं है, ये होती है। ठीक, चलिए
पांचवा क्वेश्चन, देयर आर डैश प्रीवियस बुक्स इन द लाइब्रेरी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो इसमें डिटरमाइनर्स है चार हैं, सम, एनी, मच और अ लिटिल। तो प्रीवियस बुक्स, अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दे, अ लिटिल तो होगा नहीं क्योंकि ये मात्रा की बात अगर होती है तो वहाँ पर ये काउंटेबल नाउन नहीं है, ये काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल है तो यहाँ पर अ लिटिल का कोई काम ही नहीं है। अब बचे तीन, सम, एनी और मच। तो आप थोड़ा सा ये ध्यान रखने की कोशिश करें कि यदि ये काउंटेबल है तो हम क्या यूज़ करेंगे। सिर्फ आपने दो चीज़ें पढ़ी होंगी, सम और एनी। तो सम और एनी, एनी तो कुछ अलग कंडीशन में लगता है, ये हम जानते हैं, नेगेटिव और इंटरगेटिव ज़्यादातर यूज़ होता है, लेकिन जो सम है ये काउंटेबल के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो सबसे बेस्ट होगा यहाँ पर सम। इसलिए हम क्या लिखेंगे, देयर आर सम प्रीवियस बुक्स इन द लाइब्रेरी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। डू एस डायरेक्टेड है, एनी फाइव, कोई पांच करना है, हमने यहाँ सारे कर रखे हैं। चलिए पहला, हिज ब्रदर सोल्ड ऑल द गोल्ड, ये सेंटेंस है, इसको हमें किस में चेंज करना है, क्वेश्चन विथ हाउ मच, हाउ मच लगाकर इसका क्वेश्चन हमें तैयार करना है। तो क्या होगा, हिज ब्रदर, अब यहाँ पर सेंटेंस को आपको अच्छी तरह समझना होगा तभी आप इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हिज ब्रदर सोल्ड ऑल द गोल्ड, ऑल द गोल्ड, उसके भाई ने पूरा सोना बेच दिया था। सोल्ड, यहाँ पर ध्यान दीजिए, टेंस भी आपको ध्यान रखना है, हाउ मच से इसे क्वेश्चन बनाना है। तो कितना बेचा, क्या चीज़ बेचा, तो गोल्ड, तो यहाँ पर होगा हाउ मच, मात्रा के लिए लिखा जाए हाउ मच गोल्ड। अब डिड हिज ब्रदर सेल, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सिंपल पास्ट टेंस है ये, इसलिए सेल हो गया, ऐसा नहीं कि ये यहाँ पर सेंटेंस में सोल्ड था, हम यहाँ भी सोल्ड लिख दें, क्योंकि इसके बाद जब इसका क्वेश्चन बनाया गया तो यहाँ डिड हमने यहाँ लिख दिया हेल्पिंग वर्ब, इसलिए ये सेल जो फर्स्ट फॉर्म है इसका यूज़ हो जाएगा। तो सिंपल पास्ट टेंस विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आपके जनरल क्वेश्चन जो होते हैं वो इसी टेंस में होते हैं, तो इस टेंस में थोड़ा सा परफेक्ट हो जाए। सेकंड क्वेश्चन, आई नो द बॉय, अब इसका पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो जब भी वॉइस चेंज करते हैं तो इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दो मेन चीज़ें होती हैं, तो जब इसका पैसिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करते हैं तो ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं, सब्जेक्ट बाद में आता है, लेकिन बीच में थोड़ा सा कुछ अलग सिचुएशन हमें क्रिएट करनी पड़ती है, तो इसके लिए टेंस के भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर द बॉय सबसे पहले लिख देंगे, और इसके बाद इस सेंटेंस को देखें किस टेंस में है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, यानी प्रेजेंट में इसलिए इस लगाएंगे, और नो जो मेन वर्ब है इसका थर्ड फॉर्म यूज़ होगा। हमेशा याद रखें पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है। द बॉय इज नोन बाय, अब आई नहीं होगा यहाँ पर, आई ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, मी में। तो ऐसे कौन से सब्जेक्ट हैं, प्रोनाउन हैं, जो पैसिव वॉइस में आने के बाद में किस रूप में चेंज हो जाते हैं, तो वो लिस्ट भी आपको याद रखनी है, तो आप ऐसे वॉइस वाले क्वेश्चन बड़ी इजीली कर सकते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन, द बॉय इज माई ब्रदर, ही इज वीरिंग अ रेड कैप, अब यहाँ दो छोटे छोटे सेंटेंस हैं, इन सेंटेंस को आप अच्छी तरह पढ़ लें, समझ लें, और उसके बाद हमको उसके रिलेटिव क्लास से जोड़ना है। रिलेटिव क्लास ऐसे, यानी एक ही सेंटेंस को उसमें हम दोनों बात कह देंगे, क्योंकि दोनों सेंटेंस एक ही व्यक्ति से रिलेटेड हैं यहाँ पर, इस बात का आप ध्यान रखें। द बॉय इज माई ब्रदर, वो लड़का मेरा भाई है, और ही इज वीरिंग अ रेड कैप, उसने लाल कैप पहनी हुई है। तो अब हम कैसे लिखेंगे, वह लड़का जिसने लाल कैप पहनी है वह मेरा भाई है, इसको हमें ऐसा लिखना पड़ेगा। द बॉय हमने लिख दिया फर्स्ट सेंटेंस में से, और उसके बाद हु लगाकर, हु यानी किसी पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है, हु ही इसको हटा देंगे, वीरिंग अ रेड कैप, और फिर से फर्स्ट सेंटेंस में चले जाइए, इज माई ब्रदर, बस हो गया। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें इस तरह के सेंटेंस की। अगला, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, अब यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, वह इतना कमज़ोर है कि वह चल नहीं सकता। अब आप सेंटेंस को भी समझ लें, ऐसा नहीं कि टू और टू इस डायरेक्ट हमने कहीं भी जुगाड़ करके लिख दिया, तो इसका सही आंसर होगा ही इज टू वीक टू वॉक। मतलब ये कहने का मतलब, शब्दार्थ जो शब्दों का यूज़ हुआ है वो तो चेंज हो गए, लेकिन इसका जो वास्तविक अर्थ है वो नहीं बदला है, जो उसका मुख्य जो बात कहना चाह रहा है सेंटेंस, वह इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता, जबकि हमने क्या कर दिया उसको, वह इतना कमज़ोर है चलने में, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है उसमें, ऐसा कहा गया, बात तो कुल मिलाकर वही हुई, इसलिए ये ट्रांसफार्म की प्रैक्टिस करवाई जाती है। अगला, द चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क, अब इसका पास्ट कंटिन्यूस टेंस बनाना है, तो पहले तो हमें ये देखना है कि ये किस टेंस में था, तो इसलिए ये टेंस वही है जो आपका मैक्सिमम यूज़ होता है। द चाइल्ड सब्जेक्ट है, और क्राइड जो है डायरेक्ट आ गया, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब ये सिंपल पास्ट टेंस है, और इसको पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करना है, तो सब्जेक्ट तो वही रहेगा द चाइल्ड, और कंटिन्यूस यानी कि चूंकि पास्ट है इसलिए वाज होगा, और जो वर्ब है क्राइड, ये मेन वर्ब है इसका क्राई है, सी आर वाई, तो इसका आईएनजी फॉर्म क्राइंग होगा, द चाइल्ड वाज क्राइंग फॉर मिल्क, इसका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, ही गेट्स सैलरी, ही स्टार्ट स्पेंडिंग इट, अब यहाँ पर एक ही व्यक्ति की बात है तो दोनों हैं, ही गेट्स सैलरी, उसको तनख्वाह मिलती है,
और वह खर्च करना शुरू करता है, दूसरे में वह खर्च करना शुरू करता है, ऐसा लिखा। अब इसको नो सूनर देन, इससे हमको इसको जोड़ना है, बहुत आसान है। तो इसके लिए क्या करना होगा, जो सेंटेंस है आपको नेगेटिव इंटरगेटिव बनाते आना चाहिए। ही गेट्स अ सैलरी, इसका आप इंटरगेटिव कैसे बनाएंगे, इस बात को आप ध्यान दें। तो इसका इंटरगेटिव बनाने के पहले आपको नो सूनर आपको लिख देना है। नो सूनर लिखने के बाद जो फर्स्ट सेंटेंस है उसका इंटरगेटिव लिख दिए, क्या होगा, ही गेट्स अ सैलरी का इंटरगेटिव, डज ही गेट सैलरी, यहाँ पर एस नहीं होगा चूँकि डस लिख चुके हैं, सॉरी, डज ही गेट सैलरी। अब उसके बाद देन लगाकर ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट। अब एज इट इज़ सेकेंड सेंटेंस लिख सकते हैं, लेकिन अगर फर्स्ट में नाम है सेकेंड में भी नाम है तो बार बार नाम नहीं लिखना है। फर्स्ट टाइम हम नाम लिख देंगे, सेकेंड टाइम हम ही लिख देंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ध्यान में रखनी होती हैं, लेकिन फिर भी यदि नो सूनर देन हमें यूज़ करना है तो बस आपको सेंटेंस का इंटरगेटिव बनाते आना चाहिए। तो यदि आपको ये आ गया तो ये क्वेश्चन आप बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी की ओर।